हेलो एवरीवन, मैं विभिन्न कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपसे कि सुबह 4 बजे उठने से और 6 बजे उठने से डिफरेंट क्या है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक 4 बजे उठता है और एक 6 बजे। तो जो 4 बजे उठता है वो उसका अगर कैलकुलेट करें 2 घंटे का, तो एक साल में वो 30 दिन ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि आप कंपाउंडिंग का तो जानते ही होंगे, तो उसी हिसाब से वो एक साल में जो 6 बजे बंदा उठ रहा है वो एक साल में 365 दिन ही काम करेगा, लेकिन जो 4 बजे उठता है वो एक साल में 12 महीने नहीं 13 महीने काम करेगा। तो ये डिफरेंट है दोस्तों। 4 बजे उठने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। एक तो सुबह में ऑक्सीजन जो मिलता है हमको अच्छी मिलती है, जैसे कि गाड़ी मोटर नहीं चलता, उसका धुआं नहीं निकलता है। रात में शीत गिरने से और कण जो होता है उसका शांत होकर नीचे बैठ जाता है। तो जब सुबह में हम निकलते हैं तो उससे हमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। और अगर आप यंग एज हैं तो आपको 6 घंटा बहुत है नींद लेने के लिए। तो आप सुबह 4 बजे उठिए और आप देखेंगे कि आप स्वस्थ महसूस करेंगे और आप अपने काम में जो भी करेंगे, किसी भी बंदे से आप 1 महीने आगे होना बहुत ही गर्व की बात है। कि एक बंदा है कि वो 12 महीने काम कर रहा है आप, और आप है कि 12 महीने में 13 महीने का काम पूरा कर दे रहे हैं। तो आप एक साल में 1 महीना पूरा कर रहे हैं, तो 12 साल में आपको 13 साल मिल जाएगा। तो दोस्तों, उठ तो आप 2 ही घंटे रहे हैं, लेकिन साल में 12 साल में 1 साल आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आप सुबह जल्दी उठिए और अपने काम को जरूर पूरा करिए और ईमानदारी के साथ करिए, तो तरक्की तो मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ अपने व्हाट्सएप से शेयर जरूर करिए, तो जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।